वेलकम टू यू कैसे ऑफिशियल, मैं डिम्पल कच्ची और आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए का चैप्टर नंबर 4, दैट इज कम्युनिकेशन, ई कॉमर्स एंड आउटसोर्सिंग। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं आज लेक्चर नंबर 1, व्हाट इज कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन किस किस तरह के होते हैं, वर्बल एंड नॉन वर्बल ऑफकोर्स, एंड प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। ये लास्ट जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, अगर आप लोगों ने चैनल को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलना प्लीज़, ताकि आप लोगों को यहाँ पे सारे के सारे जितने भी लेक्चर्स जैसे ही आते हैं आप लोगों को सारी लिस्ट मिलती रहे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कम्युनिकेशन। भाई, हम लोग जो भी बातचीत करते हैं, कोई भी कन्वर्सेशन होता है, वो कम्युनिकेशन ही बोला जाता है। ठीक है, हाँ, अकेले अकेले बोलते हो तो पागल कोई बोल सकता है, पर कम्युनिकेशन इज नॉर्मली अ टू वे प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये लैटिन वर्ड से आया है, कम्युनिस और कम्युनिके, जिसका मतलब होता है टू शेयर कॉमन। ठीक है, मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ, आप भी कुछ कहना चाहते हो, जो भी हम लोग कॉमनली शेयर करते हैं उसे बोला जाता है कम्युनिकेशन। ठीक है, और अगर हम लोग आज के ज़माने में देखें तो इसका जो मीनिंग है वो थोड़ा सा वाइडर हो गया है। ठीक है, आगे हम लोग बात करें तो भाई कम्युनिकेशन, जैसे मैंने बोला, इट्स अ टू वे प्रोसेस, अकेले अकेले भी हम लोग बात कर सकते हैं, पर उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ओके। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि उसका जो ये प्रोसेस है ना, ये सेंडिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन सोर्स टू द टारगेट, यहाँ पे क्या है कि हमें कुछ भी, हमें अगर किसी के साथ भी अगर कुछ पास ऑन करना हो, किसी को हमें मैसेज पहुँचाना हो, तो क्या है कि हमारा जो प्रोसेस क्या है, सबसे पहले तो हम लोग वो मैसेज फॉर्म करते हैं। ठीक है, सामने वाले को भेजने के लिए हम उसका फॉर्मेशन करते हैं, फिर उसको भेजते हैं, वो सामने वाला समझता है, इस तरह से पूरा का पूरा कम्युनिकेशन होता है। आमने सामने जितने भी हम लोग बात करते हैं, पहले हमारी बात ख़त्म होती है, सामने वाला सुनता है, वो दिमाग में लगाता है कि नहीं भाई ठीक है, ये इसने बोला है, इसका मुझे ये आंसर देना है, तो ये थॉट प्रोसेस चलता है, उसके बाद वो रिप्लाई करता है। तो ये पूरी कम्युनिकेशन की प्रोसेस है। इन्फॉर्मेशन हो, कॉन्सेप्ट हो, इमोशंस, फीलिंग्स, इंस्ट्रक्शन, जो भी है, हम लोग एक दूसरे के साथ बहुत इजीली हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग आगे बात करें कि कम्युनिकेशन की डेफिनेशन, अगेन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन मार्कर का ये क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोगों को एक मार्क में पूछ सकते हैं। हाँ, कई बार क्या होता है कि आपको इन तीनों में से कोई भी डेफिनेशन अगर आप लोगों को याद रहती है तो आप कोई भी लिख सकते हो, नॉट एन इश्यू। पर हम लोग देखते हैं सबसे पहले डेफिनेशन क्या है। कम्युनिकेशन मींस एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, ओपिनियंस एंड इन्फॉर्मेशन थ्रू स्पीच, राइटिंग एंड साइन। ठीक है, थॉट प्रोसेस जितनी भी हमारी है, थॉट्स है, ओपिनियन है या फिर इन्फॉर्मेशन है, कुछ भी हम लोग पास ऑन करना चाहते हैं तो वो तीन मीडियम से कर सकते हैं। कौन से तीन मीडियम? स्पीच, राइटिंग और साइन। हम लोग बहुत बड़ी स्पीच भी दे सकते हैं थ्रू वी कैन टॉक, हम लोग लिख भी सकते हैं या फिर विथ अ साइन। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग डेफिनेशन की बात करते हैं, यहाँ पे क्या है, द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन अमंग द पीपल रिगार्डिंग नॉलेज, कॉन्सेप्ट, अंडरस्टैंडिंग, इमोशंस, फीलिंग्स एंड ओपिनियंस। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इन्फॉर्मेशन की एक्सचेंज होती है थ्रू इतने सारे मीडियम, द सेंडर सिलेक्ट्स द प्रॉपर मीडियम, सामने वाला कौन सी लैंग्वेज समझता है वो हम लोग सबसे पहले सिलेक्ट करते हैं, विथ अफेक्ट्स द रिसीवर एंड एज अ रिजल्ट हिज और हर बिहेवियर इज चेंज। अगर हम लोग कुछ गुस्से वाली बात करते हैं तो सामने वाले का बिहेवियर चेंज हो जाता है, अगर हम लोग बहुत प्यार वाली बात करते हैं तो सामने वाले का बिहेवियर और भी चेंज हो जाता है, एंड अ रिलेशनशिप विद द हिम और हर इज एस्टैब्लिश एंड मेंटेन। इस तरह से हम लोग रिलेशनशिप हमारी जो भी होती है वो एस्टैब्लिश करते हैं या फिर मेंटेन करते हैं थ्रू कन्वर्सेशंस। ठीक है, कम्युनिकेशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ इंक्लूडिंग अवर थॉट्स इनटू अदर्स माइंड। सिंपल मीनिंग क्या है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कम्युनिकेशन हो रहा है। मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है वो आप समझो। ठीक है, कम्युनिकेशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ इंक्लूडिंग माई थॉट्स टू योर माइंड। ठीक है, सिंपल। तो ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं ये कम्युनिकेशन में ही आती है। आप लोग कुछ भी कम्युनिकेशन अगर आप करना चाहते हो तो बहुत ही ईजी वे में आप कर सकते हो, बहुत सारे इसके मीडियम्स हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे भी है, अगर आप लोगों को ये चैनल बहुत अच्छा लगा हो तो आप लोग
डायरेक्टली UKIC ऑनलाइन पे जाके आप लोग लॉगिन कर सकते हो। और यहाँ पे हमारी एक कौटिल्य बैच करके हम लोगों ने स्पेशली आप लोगों के लिए फ्री बैच बनाई है, जिसमें अंडर द वर्ल्ड रूफ आपको सारे के सारे लेक्चर्स इजीली एक्सेस हो जाएंगे। ठीक है, तो फटाफट से लॉग इन कीजिए और सारे के सारे लेक्चर्स देख लीजिए। अब हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ पे है वर्बल, नॉन वर्बल। ठीक है, इसके दो टाइप है। देखते हैं वर्बल में क्या आता है। वर्बल में आता है कि भाई हमारा जो मैसेज है वो टोटली हम लोग ट्रांसमिटेड थ्रू वर्ड्स, वर्ड्स से हम लोग हमारा जो मैसेज है वो पास ऑन करते हैं। जैसे अभी यहाँ पे वर्बल कम्युनिकेशन हो रहा है, मैं सारा का सारा अपना थॉट्स, जितने भी प्रोसेस है, मैं जो भी सोचती हूँ वो मैं आप लोगों को डिलीवर करती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सिंपली मेरे जितने भी थॉट्स है वो वर्बल कम्युनिकेशन की वजह से आप लोगों को माइंड में आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, जो इन्फॉर्मेशन है वो रिटन भी हो सकती है, ओरल भी हो सकती है, और सिंपल मीनिंग कीप इट शॉर्ट एंड स्वीट। इतना लंबा लंबा करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल क्या है, जो भी है वो डायरेक्टली बोल दो, शॉर्ट एंड स्वीट। दूसरा पार्ट हम लोग देखते हैं नॉन वर्बल। नॉन वर्बल का मीनिंग क्या है, ठीक है, तो ये सारा का सारा क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि थ्रू साइन हम लोग साइन दिखाते हैं। जैसे घर पे अगर हम लोग बात करें तो घर पे कोई गेस्ट आता है, वहाँ पे उन लोगों के सामने बहुत सारी डिशेज हम लोग लगते हैं, ठीक है, ऑफर करते हैं। तो कई बार क्या होता है, आपको भी उसमें से कुछ लेने का मन होता है, तभी मम्मी के सामने जैसे ही गलती से नज़र पड़ जाती है ना, तो मम्मी क्या करती है, ऐसे कुछ साइन करती है, ठीक है, या फिर ऐसे सिर्फ आँख ही दिखा देती है। तो आपको पता चल जाए, नहीं भाई रुक जाओ, अभी कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो ये क्या है, सारा का सारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, ये सिर्फ साइंस है। ठीक है, सिग्नल्स, फिजिकल एक्सप्रेशन, टच, जेस्चर, पोस्चर या फिर फेशियल एंड आई कॉन्टेक्ट, ये सारा का सारा जितना भी मीडियम है उसे हम लोग बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। भाई यहाँ पे मैंने अगेन बोला था, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, जैसे ही प्रोसेस आती है वो आप लोगों को स्टेप्स में ही सारी की सारी लिखनी है, इसमें से कोई भी पॉइंट आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते। ठीक है, तो सबसे पहला है फॉर्मेशन ऑफ मैसेज, उसके बाद है सिलेक्शन ऑफ मीडियम टू सेंड द मैसेज, एक्सेप्ट द मैसेज, इंटरप्रेट द मैसेज एंड रिप्लाई टू द मैसेज। ठीक है, लेट्स सी ईच वन ऑफ देम इन डिटेल। सबसे पहला है फॉर्मेशन ऑफ मैसेज। भाई सिंपल मीनिंग है, फॉर एग्जाम्पल आप व्हाट्सएप का एग्जाम्पल ले लो। ठीक है, जैसे ही आप लोग यहाँ पे क्या करते हो, सबसे पहले अगर आपको किसी को टेक्स्ट करना हो तो क्या आप सबसे पहले फॉर्मेशन करते हो कि भाई नहीं मुझे क्या लिखना है, कौन से वर्ड्स प्रॉपर है, किस तरह से लिखना है। ठीक है, आप उसका पूरा का पूरा फॉर्मेशन टाइप करते हो। उसके बाद क्या है, आप सिलेक्ट करते हो, नहीं ये वर्ड की जगह ये वर्ड बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, इंस्टेड ऑफ हैप्पी आई वुड लाइक टू राइट ग्लैड। ठीक है, तो ये क्या है, सिलेक्शन हो गया। फिर आप मीडियम सिलेक्ट करते हो कि नहीं मुझे टेक्स्ट करना है या फिर व्हाट्सएप करना है, ये आप दोनों में से कोई भी एक मीडियम सिलेक्ट करते हो। उसके बाद क्या है, आप सेंड करते हो सामने वाले को जिसको आप मैसेज पहुंचाना चाहते हो। ठीक, उसके बाद आता है एक्सेप्ट द मैसेज। फिर एक्सेप्ट कब होता है, जब सामने वाले को वो मिल जाता है। ठीक है, जैसे ही उसको मिल जाता है वो मैसेज को इंटरप्रेट करता है कि नहीं सामने वाला इंसान कहना क्या चाहता है, वो उसको इंटरप्रेट करता है और उसके बाद वो उसको जो भी ज़रूरी रिप्लाई है वो उसको देना पसंद करता है। तो ये टोटली सारी की सारी प्रोसेस आपकी क्या है, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, किस तरह से हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं। ठीक है, तो ये उसकी प्रोसेस है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट है, ईजी वे में आप लोगों को याद रह जाएगी। तो यहाँ पे आप लोगों का लेक्चर नंबर 1 ऑफ चैप्टर नंबर 4 ख़त्म होता है। मिलते हैं हम लोग लेक्चर नंबर 2 में, टिल देन बाय बाय। बच्चे YouTube के वीडियो देखने से अच्छा Instagram पे जाते हैं फ्रेश होने के लिए, और तब भी मुझे फॉलो नहीं करते। ये सच है, जल्दी से जाओ Instagram पे, फ्रेश ही होना हो तो कंटेंट को एजुकेशन और एंटरटेनमेंट दोनों को साथ में देखो और फॉलो करो मुझे Instagram के ऊपर।